मित्रों आप सबों को जय यीशु। आइए हम संत यूहन के पहले पत्र अध्याय 2:22-28 के वचन पर मनन चिंतन करें, जहां पर संत यूहन उन लोगों का कड़ा विरोध करते हैं जो पिता और पुत्र में अंतर स्थापित करते हुए ये कहते हैं कि ये दोनों अलग अलग हैं। संत यूहन इस बात का कड़ा विरोध करते हुए कहते हैं कि पिता और पुत्र दोनों अलग नहीं हो सकते, वे एक ही ईश्वर के तत्व से आए हैं, दोनों का तत्व एक है। पिता और पुत्र दो अलग नहीं हैं, वे एक ही ईश्वर हैं, वही पिता वही पुत्र। यह एक रहस्य है पिता पुत्र और पवित्र आत्मा का। तत्व में वे मूल रूप से एक हैं, उनका प्रताप उनकी महिमा बराबर है। पिता बड़ा पुत्र छोटा, यह हमारी दुनिया की मानसिकता है, ऐसा नहीं है। पिता और पुत्र दोनों एक ही स्तर के हैं, दोनों की एक ही महिमा, एक ही मान, एक ही सम्मान और एक ही मूल तत्व। जिस प्रकार से हम ये नहीं कह सकते कि मुझे गुलाब का फूल पसंद है लेकिन उसका रंग नहीं, या फिर मैं ये कहूँ कि मुझे एक शर्ट पहनना है लेकिन उसका कपड़ा नहीं, ये बड़ी बेतुकी और तर्कहीन बात हो जाती है, क्योंकि कपड़े को शर्ट से अलग नहीं किया जा सकता, गुलाब के फूल से उसके रंग को अलग नहीं किया जा सकता। वैसे ही पिता पुत्र एक हैं। और आज के सुसमाचार जिसमें हम मनन चिंतन करते हैं, संत यूहन के सुसमाचार से हैं, कुछ याजक और लेवी यूहन बपतिस्ता के पास आते हैं और उनसे पूछते हैं कि आप ही मसीह हैं क्या? और संत यूहन बपतिस्ता बड़ी ही विनम्रता से उन्हें कहते हैं कि मैं मसीह नहीं हूं, वो तो मेरे बाद आने वाले हैं, और मैं तो इस लायक भी नहीं हूं कि मैं उनके जूते का फीता खोल सकूं। यानी वो अपने आप को बहुत ही विनम्र समझते हैं, अपने आप को बहुत ही छोटा समझते हैं मसीहा के सामने, और ये स्वीकार करते हैं कि वे उनके सामने कुछ भी नहीं है। यदि हम यूहन बपतिस्ता के जीवन और उनके आसपास के परिदृश्य के ऊपर दृष्टि दौड़ाएं तो पाते हैं कि उनके बहुत सारे अनुयायी थे, बड़े बड़े लोग भी उनकी बातों को मानते थे और भीड़ की भीड़ उनके उपदेशों को सुनने के लिए और यर्दन नदी में उनसे बपतिस्मा ग्रहण करने के लिए आते थे। यानी उनके लिए एक बहुत ही बड़ा पब्लिक सपोर्ट था, और ऐसे क्षण में यदि वे ये कहते कि हाँ वे ही मसीह हैं तो उन्हें बहुत सारी प्रशंसा, बहुत सारी तारीफ और लोगों का सम्मान मिल जाता। लेकिन उन्होंने यह करना स्वीकार नहीं किया। मित्रों आज संसार में एक होड़ लगी हुई है नाम कमाने की, प्रसिद्धि पाने की। हर कोई अपने आप को कुछ मानता है, अपने आप को एक बड़ा व्यक्ति मानता है, समाज में बड़ा दिखने की कोशिश करता है। औचित्य से अधिक भी लोग अपने आप को बड़ा मानने की कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं, और यदि थोड़ी सी भी प्रशंसा मिल जाए, थोड़ा सपोर्ट मिल जाए तो व्यक्ति सातवें आसमान पर चढ़ जाता है। आज यूहन बपतिस्ता हम सबको ये शिक्षा देते हैं कि हम कितने भी बड़े क्यों ना हो जाएं, हमें विनम्रता से हमेशा यही सोचना चाहिए कि मुझसे भी बड़े कोई हो सकते हैं। संत पौलुस हमें कहते हैं कि हमेशा दूसरों को अपने से श्रेष्ठ माने, लेकिन आज लोग अपने को दूसरों से श्रेष्ठ मानना पसंद करते हैं। एक पहाड़ जो बहुत ही ऊंचा होता है, अपने से छोटे दीमक के घर को जो भी पहाड़ जैसा दिखता है हालांकि आकार में बहुत छोटा है, उसको हीनता की दृष्टि से तब तक देखता रहता है जब तक वो अपनी आंखें ऊपर उठाकर
तारों को नहीं देख लेता और उसकी ऊंचाई का अंदाज़ा नहीं लगा लेता। हम भी इस जीवन में कई बार लोगों को हीनता की दृष्टि से देखते हैं और बहुत ही अहंकारी हो जाते हैं, अपने आप को बहुत बड़ा मानने लगते हैं। लेकिन जब हम वास्तव में अपनी आँखें खोल के देखें, आँखें ऊपर उठा के देखें, तो दुनिया में बहुत से हमसे भी महान व्यक्ति हैं। प्रभु यीशु ने यौहन बपतिस्ता को कहा था कि इससे बड़ा व्यक्ति इस दुनिया में कोई नहीं है। प्रभु यीशु यौहन बपतिस्ता को सब मनुष्यों में बड़ा मानते थे, लेकिन वही यौहन बपतिस्ता अपने आप को बहुत छोटा, बहुत विनम्र मानता था। तो आज यौहन बपतिस्ता से हमें एक बहुत बड़ी शिक्षा लेनी है। जीवन में बड़ा बनने की जो एक होड़ लगी है, उस भागदौड़ में हम भाग न लें। प्रभु यीशु ने हमें विनम्रता का पाठ पढ़ाया है, संत यौहन बपतिस्ता ने हमें विनम्रता का पाठ पढ़ाया है, माता मरियम ने हमें विनम्रता का एक रास्ता दिखाया है। और एक ईसाई होने का मतलब और एक ईसाई होने का जो मकसद है, वो दुनिया में नाम और शोहरत कमाने का नहीं है, लेकिन विनम्रता पूर्वक लोगों की सेवा करने के लिए अपने आप को समर्पित करने का एक रास्ता है। आइए उस राह पर हम चलते रहें और प्रभु की आशीष हम सब पर बनी रहें।